तमाम संतों की एकता हम देखते आ रहे हैं और लगातार देखते रहेंगे। जी हाँ, अभी सरकार बनी है और सरकार के मुद्दे में भी कई संत आक्रोशित नजर आए, तो कई संत राम मंदिर के मुद्दे पर आक्रोशित नजर आ रहे हैं। जी हाँ, इसी के चलते हम तमाम संतों से सवाल पूछ रहे हैं। सर, राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है, ऐसे में कितना और क्या समझते हैं राम मंदिर से, क्या बनना चाहिए? राम मंदिर तो बनना ही चाहिए, और धर्म निरपेक्ष अगर सरकार हो जाती है तो इससे बड़ी हरी क्षति होती है। और धर्मेण हीना पशवी समाना, धर्म से रहित इंसान हो, राजा हो, राजा पर भी धर्म शासन करता है ऐसे। और रामो विग्रहवान धर्म, राम धर्म के विग्रह हैं। धर्म का अर्थ है सत्य और सत्य का अर्थ है धर्म है? लोक में जिसको धर्म कहते हैं वेद में सत्य कहा है, इसलिए राम मंदिर सत्य का प्रतीक है। और हिंदुओं पर लगा हुआ जो मुसलमानी शासन का एक अपमान का टीका है, उन्होंने बलात् अपना शासन करके हिंदुओं को अपदस्थ किया, उनके मंदिरों को तोड़ा, उनकी अस्मत लूटी, और ये तो राम मंदिर तो बनना ही चाहिए। और केवल हिंदुओं के लिए ही नहीं है, सनातन धर्म सबके लिए है। मनुर्भव श्रुति में आता है, पहले मनुष्य बनना चाहिए, और मनुष्य बनने में अधिकार चाहे ईसाई हो, मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, मनुष्यत्व सबको आवश्यक है। और राम मंदिर, भगवान जो राम है वो राम विग्रहवान धर्मा माने सत्य स्वरूप है। रामो द्विर्न भासते, वाल्मीकि ऋषि ने कहा है राम दो नहीं बोलते हैं। इसलिए सत्य की स्थापना, सत्य का प्रतीक, सत्य का दीपक, और सत्य के बिना पूरे के पूरे पृथ्वी लोक में चाहे वो ईसाई हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, वह सत्य के बिना एक अंधकार है। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वो है, वो सत्य और मर्यादा की प्रतीक चिन्ह है, और इसलिए उनका मंदिर बनना ही चाहिए। और उनके संपूर्ण मानव जाति को उनसे प्रेरणा हमेशा हमेशा के लिए मिलती रहेगी। और सरकार जो अगर मंदिर नहीं बनता है तो असत्य का शासन माना जाएगा, इसलिए असत्य के असत्य पर विजय का प्रतीक है सत्य, और सत्य के प्रतीक है श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम। इसलिए और उनसे मर्यादित होकर के संपूर्ण प्रजा, जितनी प्रजा है वो धर्म और अपने आप में वो एक व्यवस्थित होगी, और वे धर्म के प्रतीक है, इसलिए मंदिर बनना ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट तारीख देता जा रहा है और संत वार्निंग देता जा रहा है कि राम मंदिर को बनना ही चाहिए। क्या ये मान लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के पास समय नहीं है, करोड़ों लोगों की सुविधा के लिए समय नहीं है उनके पास? कितना सहमत है आप सुप्रीम कोर्ट के? जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट, यद्यपि संवैधानिक रूप से सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हम सबको मान्य है और मानना ही चाहिए, परंतु जब सुप्रीम कोर्ट सरकार के दबाव में आकर के राजनीति पॉलिटिक्स होती है, अगर वो इस मुद्दे को पीछे हटा देते हैं और उचित निर्णय नहीं दे पाते हैं, तो वहाँ पर सरकार को सोच करके, सरकार को यहाँ पर अपना कुछ प्रावधान ला करके, और तो अन्य सुप्रीम कोर्ट को भी सत्य के पक्ष में निर्णय करना चाहिए। और इसे नारी पत्ता नहीं आया तो आएगा क्यों नहीं आएगा? कि सुप्रीम जो न्याय होता है, और न्याय का वही अधिकारी होता है जो सत्य की रक्षा कर सके, सत्य का परिवर्तन कर सके और सत्य को आगे बढ़ा सके। और सुप्रीम कोर्ट अगर राम मंदिर के विषय में नहीं आता है, नहीं करता है, और किसी कारण से अगर वो नहीं करता, तो सबको एकमिल होकर के और सत्य की रक्षा हम सबको मिलकर करना चाहिए। हमारा गीता भवन ट्रस्ट, यह गीता भवन जो वर्तमान कार्यक्रम हो रहा है, और इस संपूर्ण यद्यपि धर्म मंच है, परंतु धर्म मंच पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बिना धर्म मंच का भी कोई अस्तित्व नहीं है। और इसलिए हमारा गीता भवन ट्रस्ट यहाँ की ओर से, सभी संतों की ओर से, हम सबको ये प्रार्थना सरकार से भी है और सुप्रीम कोर्ट से हमें अपेक्षा न्याय की करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट को न्याय करने की हिम्मत जुटानी चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए, विलंब नहीं करना चाहिए, और किसी के दबाव में आकर के जो आवश्यक सत्य है, जो आवश्यक धर्म है, सत्य है, और जिसमें प्रेम, स्नेह, भावना, सभी सुखी होवे सदा, जिसमें सुखी सभी सुखी होते हैं, ऐसे विषय में उनको प्रमाद नहीं करना चाहिए।